दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम समय चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे और अब बात करेंगे आज के विशेष टॉपिक कुंडली में बुध ग्रह के महत्व के बारे में। और इस बारे में सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कल्पेश उपाध्याय जी। तो कल्पेश जी, आखिर कुंडली में बुध ग्रह का क्या महत्व है और बुध ग्रह का क्या प्रभाव होता है? मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो पहले तो बुध को जानना जरूरी है। बुध बुद्धि का कारक है, मज्जा का कारक है, चमड़ी का कारक है। बुद्धि से जो भी कार्य करते हो वो आपको सफलता देता है। अब एक बात बता दूं, काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध को तीसरा और छठा स्थान दिया गया है। तीसरा स्थान जो है पराक्रम का है, साहस का है। छठा स्थान रोग और शत्रु का है, इसके साथ उसको नौकरी का स्थान भी माना जाता है। तो आपको इतना बता दूं कि आपके पास बुद्धि है और वो पराक्रम बुद्धि का आप कुछ करते हो अच्छा, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। साहस करने से सिद्धि जरूर मिलती है, लेकिन उसमें थोड़ा भी बुद्धि होना जरूरी होता है। तो बुध ग्रह साहसिकता का ग्रह है और बुद्धि का ग्रह है, क्योंकि वो तीसरे स्थान से और छठे स्थान से जुड़ा हुआ है। बुध की मिथुन राशि और कन्या राशि दी गई है। मिथुन राशि बुध की है, कन्या राशि भी बुध की है, और उसको उच्च पोजीशन में देखा जाता है। तो कन्या राशि में वो उच्च होता है और मीन राशि में वो नीच पोजीशन में होता है। ये बुध ग्रह आपको छोटे से जल्दी से आगे बढ़ाने का योग बनाता है। आप में जितनी बुद्धि होगा उतना कार्य कर सकते हो। आपने देखा होगा है कि कई लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन शाम को 300-400 रुपये कमाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो मेहनत करे बिना अपनी ऑफिस में बैठते हैं, एसी रूम के अंदर बैठ के कागजों पे कार्य करते, फोन पे कार्य करते हैं, और वो दिन में 5 लाख भी कमाते हैं, 2 लाख भी कमाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये बुध होता है। जिसकी कुंडली में बुध बलवान होता है वो अपनी बुद्धि से अपने नीचे लोगों से कार्य ले सकता है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ओनली उसको फ़ोन पे बात करनी है, क्योंकि ध्वनि का कारक भी बुध है, अपने कानों का कारक भी बुध है। आप ध्वनि से कार्य करते हो, अपनी बुद्धि से कार्य करते हो, किसी का आपने सुना और उस पर आप जितना जल्दी अमल करते हो, जितना जल्दी इस पर कार्य करते हो, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। तो बुध ग्रह के बारे में इतना ही बोला जाएगा कि बुध यदि आपकी कुंडली में बलवान होता है तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, आपको भी पता नहीं चलता है। यदि निर्मल होता है, यानी कि जब निर्बल हो जाता है, तो आपका माइंड बिगड़ता है, आपकी बुद्धि बिगड़ती है, कई बार आप पागल भी हो जाते हो। बुध ज़्यादा बिगड़ जाता है तो इंसान ज़्यादा पढ़ने से भी पागल हो जाता है, क्योंकि उसमें चंद्र ग्रह जब बुध के साथ बैठ जाता है तो उसके जीवन में ज़्यादा तकलीफों का सामना भी उसको करना पड़ता है। तो बुध की ऐसी इफेक्ट रहती है। बुध का ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रह के साथ बैठता है उसका रिजल्ट वो ले लेता है, क्योंकि बुध यदि सूर्य के साथ बैठ जाता है तो सूर्य जैसा रिजल्ट देता है, मंगल के साथ बैठता है तो मंगल जैसा रिजल्ट देता है। तो बुध की अगत्यता इतनी है कि यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह बिगड़ा हुआ है तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो, आपका बुद्धि का उपयोग आप नहीं कर सकते हो। किसी के आपको सहारे की ज़रूरत होती है। जब बुध आपका बलवान होता है तो किसी के सहारे के बिना आप बहुत आगे बढ़ जाते हो। जैसे इतना बता दूं मित्रों कि जो भी लोगों का बुध बलवान होता है वो इंसान ज़्यादा दलाली का बिजनेस करते हैं, अपनी बुद्धि से उसमें रुपयों का कम इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कल्पेश जी, हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जब बुध ग्रह किसी अलग ग्रह के साथ बैठा होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? मित्रों, हर एक ग्रह के साथ बुध का इफेक्ट अलग अलग रहता है। सूर्य के साथ बुध बैठता है तो उसको बुधादित्य योग माना जाता है, लेकिन वो बुध की परिस्थिति वहाँ निर्बल तो नहीं हो गई है, वो डिग्रिकली ज़्यादा नज़दीक होने से वो अस्त तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। यदि बुध वक्री होता है तो वहाँ नेगेटिव रिजल्ट देता है। ऐसे तो लोग मानते हैं कि सूर्य के साथ बुध बैठने से बुधादित्य होता है, यानी कि बुद्धि का भंडार होता है, लेकिन अस्त होने से कई बार उसका मानसिक संतुलन अच्छा भी नहीं होता है, उसमें वहाँ बुधादित्य योग कोई कार्य नहीं करता है। बुध के साथ अब देखा जाए कि यदि मंगल की परिस्थिति आती है तो वो कभी जो डिसीजन लेता है उतावलापन करता है, और उतावलेपन में उसके कार्य बिगड़ भी सकते हैं, और उसमें बुध यदि अच्छा होता है तो वही उतावलापन उसके लिए अच्छा फायदा करता है। और अब गुरु की बात करते हैं, तो जब मंगल के साथ
गुरु होता है, बुध के साथ गुरु होता है। अब बुध की बात करें तो उसमें बुद्धि का भंडार, ऐसे बोला जाता है कि गुरु ज्ञान के लिए कार्य करता है, लेकिन ज्ञान जितना भी हो लेकिन बुद्धि नहीं होती है तो वो ज्ञान कोई कार्य का नहीं होता है। तो बुध और गुरु, जिसको ऐसे बोलते हैं कि धर्म के अंदर भी अच्छा माना जाता है और अभ्यास में वो बुध और गुरु जीवन में आगे बढ़ाता है। और बुध के साथ जब शुक्र की परिस्थिति आती है, तो शुक्र की परिस्थिति बुध के साथ आती है तो वो मीडिया लाइन में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुध के साथ जब शुक्र की परिस्थिति आती है तो अपनी बुद्धि से वो रुपया भी ज़्यादा कमाते हुए दिख सकता है। बुध के साथ जब शनि की परिस्थिति आती है तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि शनि और बुध नपुंसक ग्रह माने गए हैं और बुध के साथ शनि होता है तो उसके जो भी बौद्धिक कार्य करना है उसमें शनि वहाँ रुकावट पैदा करता है। ऐसे ही बुध की परिस्थिति होती है, बुध जब राहु के साथ बैठता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कलयुग में बुध राहुवत कार्य करता है, यानी कि बुध का डबल बेनिफिट राहु के साथ बैठने के से आता है। लेकिन बुध के साथ केतु होता है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बुद्धि से जो कार्य करना वो आपका बिगड़ जाता है। लेकिन एक बात बता दूँ, जब जब ये ऐसी नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन बुध का परिस्थिति यदि आपका बलाबल में अच्छा होता है, आश्लेषा ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र का बुध होता है तो अपना नक्षत्र माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र भी बुध का नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र भी बुध का है। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में आता है, कर्क राशि में बुध होता है, आश्लेषा होता है तो फायदा करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, वृश्चिक राशि में होता है और इस प्रकार अच्छी पोजीशन देता है। और रेवती नक्षत्र में, यानी कि ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है, उसमें भी यदि बुध होता है, लेकिन वो बुध वहाँ नीच पोजीशन में बोलते हैं, लेकिन वो रेवती नक्षत्र में और नीच हुआ तो भी वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दूसरी एक बात बता दूँ, कोई भी परिस्थिति में नीच हो, खराब पोजीशन में, लेकिन चतुर्थ स्थान में बुध बलि माना जाता है। जब चतुर्थ स्थान में बुध बैठ जाता है कोई भी परिस्थिति में बलि होता है। और एक बात बता दूँ कि दसवें स्थान के अंदर बुध कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो दक्षिण दिशा में उसका बल कम हो जाता है, उसका बल नहीं मिलता है, तो वह कितना भी अच्छा होते हुए भी उसका नेगेटिव रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये बुध की परिस्थिति पहले देखना पड़ता है, कौन से नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, किस प्रकार बैठा हुआ है, तभी उसका बलाबल पता चलता है। कल्पेश जी, हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। मित्रों, पहले तो देखना पड़ता है कि बुध आपका यदि खराब हुआ है, मैंने पहले ही बोला नीच पोजीशन में यदि बुध होता है मीन राशि का, लेकिन चतुर्थ स्थान में वो नीच नहीं माना जाता है, तब पहले आपका बुध खराब है तो पहले आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। कई बार कुंडली के अंदर ऐसे भी स्थान है जहाँ बुध बैठने से संबंध देखा जाता है, कई बार बुध खराब होने से मौसी के रिजल्ट में कमी आती है, अपनी साली के रिजल्ट में कमी आती है, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। यदि बुध खराब हुआ तो आप क्या कर सकते हो, ग्रीन कलर की कलर का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कपड़े पहनने में ग्रीन का यूज़ ज़्यादा करो। आपने अक्सर देखा होगा कि बुध बिगड़ता है तो बुद्धि बिगड़ती है इंसान की। बुध खराब है तो आप हरी चीज़ों का दान पुण्य कर सकते हो, हरी कलर की चीज़ें खा सकते हो, क्योंकि बुध जब बिगड़ता है तो आँखों का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सूर्य का मित्र माना जाता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि यदि आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है, आपकी आँखों का प्रॉब्लम, तो वो लॉन पे चलने को बोलते हैं, घास पे, हरे घास पे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट करता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी ज़्यादा ग्रीन कलर के का ही यूज़ होता है, पर्दे भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसके पीछे का भी कारण यही है। आप थोड़े भी अच्छे स्वस्थ हो जाते हो तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि आप बाहर कहीं घूम फिर के आओ, जहाँ सीन सीनेरी होती है ग्रीन कलर का यूज़ होता है। तो ये चीज़ हुई ग्रीन की। आपने कई बार देखा होगा कि बुध यदि बिगड़ता है तो उसको चमड़ी का इन्फेक्शन लगता है, चमड़ी का रोग भी आता है, तो आपके लिए दूसरे ऐसे उपाय है कि आप जैसे बोलते हैं कि आप जैसे स्नोप होता है, यानी कि वरियारी जो बोलते हैं गुजराती में हमारे, तो वो आप उसका भी इस्तेमाल करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। और जैसे बोला जाता है कि मैंने पहले बोला ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल करो और एक पन्ना का स्टोन धारण करते हो तो भी उसमें से आप बच सकते हो। लेकिन पन्ना पहनने से पहले वो बुध की परिस्थिति देखना पड़ता है कि आपके लिए समझो कि 100 में से 20% या 40% की ज़रूरत है तो आपको पन्ना नहीं पहनना है, उसके उपाय करो। हाँ, उपाय में एक बात बता दूं कि ग्रीन कलर का तो यूज़ करना है, लेकिन आप विष्णु भगवान की सेवा पूजा करते हो, आप बुध के मंत्र का जाप करते हो, ओम ह्रीम बुधाय नमः का मंत्र का जाप करते हो, या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हो, ओम विष्णुवे नमः का मंत्र का जाप करते हो। विष्णु भगवान के जो 1000 नाम दिए गए उसमें से कोई भी एक मंत्र पकड़ के भी आप यदि जाप करते हो तो भी उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये है बुध के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के उपाय।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस विशेष टॉपिक से आपको ढेर सारी जानकारियां जरूर मिली होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको भी कल्पेश एस्ट्रो सर्विसेज, कल्पेश डी उपाध्याय, ज्योतिर्ज्ञाता, ज्योतिर्भूषण, 100% परफेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन, 323 अक्षर आर के, ऑपोजिट मेम नगर फायर स्टेशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात। कॉन्टैक्ट अस 8866650725। ईमेल आईडी kalpeshupadhyay41@yahoo.in। टोल फ्री नंबर 1800200।